प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए अपने लिए इंटरेस्टेड बना के रख सकते हो, कैसे हमेशा आपका पार्टनर का आपके लिए जो प्यार है वो बढ़ता जाए, ना कि कम होता जाए। क्योंकि आप लोग बताते हो ना कि कुछ समय के बाद जो आपका पार्टनर होता है वो आप में इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप बहुत ज़्यादा फीलिंग शेयर कर देते, जो आपके मुंह से सुनना चाहते वो सब कुछ आप बता देते हैं। अब आप में जानने जैसा, आपके साथ कुछ करने जैसा आप रहने ही नहीं देते, तो इंटरेस्ट रहेगा कैसे। लेकिन आज मैं आपको 2-3 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊँगा जो अगर आप सोच समझ के अपने रिलेशन में यूज़ करते तो दोस्तों 100% आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा और उसका कभी भी इंटरेस्ट आप में कम नहीं होगा, बल्कि जो उसका इंटरेस्ट है हमेशा के लिए बढ़ता ही जाएगा। सबसे पहली बात, आपने उसको कॉल किया या उन्होंने आपको कॉल किया, ये बात चलो हम अभी कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने यहाँ पे ये रखता है कि सबसे पहले भाई कौन बोलता है, आप भाई बोलते हो या वो भाई बोलते हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको कई बार सामने से पहले भाई बोला है कि चलो कॉल रखते हैं, मुझे ये काम है वो काम है, तो आप उसे ताना देते होगे कि अच्छा चलो सही है, तुम्हें अब मेरे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बिजी हो, मेरे लिए टाइम नहीं है बात करने की, ऐसा तुमने बोला होगा। तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें लगा कि यार तुम्हारे पार्टनर को ना अब उतना इंटरेस्ट नहीं है, तुम ऐसा फील कर रहे होगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वो आपको बाय बोले उससे पहले आपको उनको बाय बोलना है। अब सेम चीज़ें होगी, आपका पार्टनर आपके लिए सोचेगा, उसमें कुछ बुरा नहीं है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचे कि आपको उनके लिए टाइम नहीं है या आप अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते, इससे प्रेम घटेगा नहीं उनका आपके लिए, बढ़ेगा। क्योंकि आप 2 घंटे बात कर लोगे, 3 घंटे बात कर लोगे, तो क्या होगा कि उनकी जो इंटरेस्ट थी आपके साथ बात करने के लिए वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगी। तो आपको यही तो करना है कि उनकी आपके साथ बात करने की जो इच्छा है उनको ये पूरी नहीं होने देनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल के ऊपर ये बात करो, आप अगर SMS में चेंज करते हैं तभी भी आप ये आइडिया है ट्राई कर सकते हो कि सामने से पहले आप भाई बोल दो, वो बोले उससे पहले। ये साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, अगर आप समझ सको तो ये आपके लिए आपके रिलेशन में कमाल कर सकती है। मान लो कि आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आपने थोड़ा सा खाना खाया है तो आपको उनका स्वाद बहुत ही मीठा लग रहा होगा। जब आप शुरुआत में उस खाने को खा रहे हो, आप प्यार से उस खाने को चबा रहे होते हो, लेकिन संतोष हो जाने के बाद जब आपकी भूख मिट जाती है, जब आप पूरा खाना खा लेते हो, उसके बाद आप एक निवाला भी खाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका पेट पूरी तरह से भर गया होता है, इसलिए अब वो कितना भी अच्छा खाना होगा, कितना भी स्वादिष्ट होगा, आप क्या खाना खाओगे? नहीं, क्योंकि आपकी भूख मिट गई है। तो आपको क्या करना है, अगर बीच में से आपका कोई खाना छीन लेता है, आपसे दूर कर लेता है, तो आपकी भूख पागल हो जाएगी, क्योंकि आपने वो स्वाद चख लिया है, आपको वही खाना चाहिए, आप उसके लिए तड़पोगे। इसी तरह से आपके रिलेशन में ये ट्रिक काम करेगी। आप कॉल पे या SMS में तो ये चीज़ करोगे ही करोगे, लेकिन जब कभी आप अपने पार्टनर को मिलने जाते हो तभी भी इन चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो। आप उनको मिलने के लिए बुलाते हो या वो आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, तो आपको मिलने जाना है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि बीच में से आपका दोस्त आपको कॉल करता है या आपका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम आपको याद आ जाता है और आपको उनको बताना है। अब सारी चीज़ों में आपको जो रीज़न है वो जेन्यून देने, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को पता चल जाए कि आप फेंक रहे हो। जेन्यून रीज़न देने के बाद आपको उनको बताना है कि सॉरी अब मुझे जाना पड़ेगा, ताकि जो उनका इंटरेस्ट है वो हमेशा के लिए बढ़ता जाए। दोस्तों मेरी बात मानो, आप इन चीज़ों को, इन ट्रिक को अपने रिलेशनशिप में यूज़ करते हो तो कभी भी आपका पार्टनर बोर नहीं होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से कभी उसे संतुष्ट होने ही नहीं देते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अभी के अभी लाइक करिए, इसके बारे में कमेंट करिए, और वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो उन्हें व्हाट्सएप पे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि अगर आपके किसी दोस्त का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो से उनके रिलेशन को आप बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।